वहीं निगम भिलाई के महापौर परिषद द्वारा किया गया एक ऐसा फैसला काफी महंगा पड़ता नजर आ रहा है। वार्ड 8 कृष्णा नगर के विकास के लिए 20 लाख की राशि अन्य किसी वार्ड के विकास कार्य के लिए परिवर्तित कर दी गई, जिससे आक्रोशित वार्ड 8 के रहवासियों ने अपने जनप्रतिनिधि के साथ निगम भिलाई का घेराव किया और निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच का आग्रह किया। बुधवार को नगरपालिक निगम भिलाई के वार्ड 8 के रहवासियों ने मुख्य कार्यालय के गेट पर जमकर नारेबाजी की और निगम प्रशासन को घेरने का प्रयास किया। इनका गुस्सा इस बात से था कि वार्ड 8 के लिए 20 लाख रुपए सौगात में मिली थी। इन 20 लाख रुपए से वार्ड में नाली निर्माण और सड़क निर्माण का कार्य होना था, परंतु महापौर परिषद ने इस राशि को वार्ड 7 राधिका नगर में विकास के लिए परिवर्तित कर दिया। स्थल परिवर्तन होने से वार्ड 8 के विकास कार्य रुक गए हैं और निगम के अधिकारियों ने अपने दस्तावेजों में यह लिख दिया कि कार्य पूर्ण हो गया है। ये नगर निगम घिराव इस कारण किए हैं कि ये चुनाव से पहले ये इसमें लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो 15/11/2021 ये चुनाव से पहले 20 लाख रुपए स्थल निरीक्षण करने के बाद कृष्णा नगर में 20 लाख रुपए पास होता है सीमेंटीकरण के लिए, और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया उसके बाद 4 महीने बाद ये आप देख सकते हैं 25/3/2022 को। अब इसमें लिखा गया है कि कृष्णा नगर के अंतर्गत सभी गलियों का निर्माण हो चुका है, मात्र 4 महीने में इन लोग पर चांदी की सड़कें बनवा दी हैं हमारे कृष्णा नगर में, और ये वर्तमान स्थिति है वहाँ की, इसको आप कैप्चर कर लो, ये देख लो ये वर्तमान स्थिति है, ये 4 महीने में ऐसा बन चुका है। उसके बाद भी यहाँ लिखा गया है कि ये स्वीकृत राशि स्थल परिवर्तन करके राधिका नगर में ले जा रहे हैं, तो भैया आप राधिका नगर में ले जा रहे हो तो लेकिन टैक्स तो आप हमारे यहाँ से भी लेते हो। कोई भी लेडीज जाते हैं, कोई भी जेंट्स जाते हैं, बोलते हैं राशन कार्ड बनवाना है तो क्या बोल के वापस भेज देते हैं कि आप टैक्स नहीं पटाए हो। आप सभी लेडीजों का देख लेना 2022 का 2023 तक का टैक्स पट चुका है। अब टैक्स जब पट ही चुका है तो उनको मूलभूत सुविधाएं ये चाहते हैं, मेरी पूरी वार्ड चाहती है ये जो 20 लाख रुपए है ये हमारे वार्ड में आए और इसकी जो दीति है, जो द्विति कार्यादेश हुआ है स्थल परिवर्तन का, वो निरस्त हो, और पहले कार्यादेश जो हम लोग 18 तारीख को लिए थे निविदा में स्पष्ट है कृष्णा नगर का कार्य है 120 दिनों में पूर्ण करना है, तो हम ये चाहते हैं कि जो पहले हुआ है, जो पहले कार्यादेश हुआ है 18 तारीख को, उस कार्यादेश पर हमारे वार्ड पे सीमेंटीकरण हुआ जाए। क्या लगता है राधिका नगर क्यों गया पैसा? राधिका नगर इस कारण क्या है कि एमआईसी उनका है, सरकार उनका है, निर्दलियों का कोई सुनवाई नहीं है, तभी ये पब्लिक आई है, ऐसे तो आती नहीं। अगर सुनवाई हो जाता, 20 लाख का सीमेंटीकरण हो जाता तो पब्लिक यहाँ तक धूप में नहीं आती। आगे उग्र आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, कुछ भी हो सकता है, तोड़ फोड़ होगा, कुछ भी हो सकता है, वो हमारी गारंटी नहीं है, पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक जो चाहे वो हो जाएगा। और हमारे घर के पास पूरा रोड पूरा टूटा हुआ है, नाली भी नहीं बना हुआ है, आज से हम 10-12 साल हो गए मेरे को यहाँ आए, जब से देख रहे हैं दूसरी तरफ है, अभी हमारा नाली बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, अच्छा सब जगह बना है, हमारे घर भी बनना चाहिए, नहीं बना, क्या करेंगे, धरना देंगे। उसके बाद वार्ड 8 के रहवासियों ने निगम मुख्यालय के गेट के समीप जमकर नारेबाजी की। उसके बाद निगम की सुरक्षा में लगे पुलिस प्रशासन से धक्का मुक्की कर निगम में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे, परंतु मौके पर मौजूद सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने वार्ड 8 के रहवासियों को बखूबी समझाया। उसके बाद उनमें से 5 व्यक्तियों को निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे से मिलवाने ले गए। निगम आयुक्त से मिलकर वार्ड पार्षद उन्हें अपनी मांगों का और शिकायतों का ज्ञापन सौंपा, जिस पर आयुक्त ने आने वाली एमआईसी की बैठक में इन बातों को रखने की बातें कही और अन्य शिकायतों पर जांच करने का आश्वासन दिया। वार्ड की समस्या के बारे में तो उनका एक स्थल परिवर्तन था, कृष्णनगर वार्डों में कुछ रोड सेंक्शन हुए थे, उस समय वार्ड परिसीमन के कारण से वार्ड नंबर चेंज हुए थे, पुराने नए वार्ड में कुछ विवाद था, तो जो अभी वार्ड पुराने वार्डों में जो काम सेंक्शन होता था उसको एमआईसी में उसको स्थल परिवर्तन के लिए लाया था, और स्थल परिवर्तन करके उसको दूसरे वार्डों में ले गए। उनका मानना कि हमारा भी उस रोड में जल गया था, रोड बननी चाहिए, ये बात एमआईसी में हम लोग नॉलेज में लाए थे, तो एमआईसी करना था कि अगर स्थल परिवर्तन हो गया है तो हम उसी जितना इसका रोड सेंक्शन हो तो उतने पैसे का नया प्रस्ताव बना करके शासन को भेजेंगे ताकि उनका भी काम हो जाए और हमारा जो उनका मांगों की पूर्ति हो जाए, ऐसा महापौर परिषद का कहना था। इनको वही आश्वासन जो आपका जो ज्ञापन आया फिर से एमआईसी में रखा जाएगा, जो निर्णय होगा उसमें हमारी कार्रवाई करेंगे। महापौर परिषद पर वार्ड 8 के रहवासियों एवं पार्षद ने जो आरोप लगाए हैं वह अपने आप में एक नई कहानी कहते हैं और निगम के इतिहास में ऐसा पहला मामला नजर आ रहा है। वार्ड 8 कृष्णा नगर के वार्डवासी इस कार्य में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई न होने और वार्ड में जल्द विकास कार्य प्रारंभ न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। देखना होगा कि महापौर परिषद अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को किस तरह लेती है और इसका निराकरण
क्या निकलता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।